Bismillahirrahmanirrahim, it's me Faiza Sheikh and you are watching the Faiza's learning class. Today I am here to take the new topic about Tughlaq dynasty. आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे तुगलक डायनेस्टी को. इससे प्रीवियस जो है खिलजी पीरियड जो है वो ख़त्म हो गया, उसका इख्तिताम हो गया. अब उसके बाद जो न्यू पीरियड स्टार्ट हुआ है तुगलक डायनेस्टी जो कि टर्को इंडियन डायनेस्टी जिसे आल्सो ना कहा जाता है. इस डायनेस्टी में क्या हुआ था, रूल हुआ था दिल्ली के ऊपर ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड में. तुगलक डायनेस्टी जो है उसमें अगर हम देखें तो बेसिक मेन जो प्रोवाइडर्स थे थ्री इंपॉर्टेंट रूलर्स थे जिसके अंदर गयासुद्दीन तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक था एंड फिरोज शाह तुगलक था. ये रेन ऑफ डायनेस्टी जो है स्टार्टेड हुई थी इन 1321 में जब गाजी मलिक ने अज्यूम किया था थ्रोन ऑफ दिल्ली को अंडर द टाइटल ऑफ द गयासुद्दीन तुगलक. अच्छा जी, आफ्टर स्टेबलाइजिंग बहुत ज़्यादा ही डिग्री इन द कैपिटल विद द हेल्प ऑफ द खिलजी नॉबल्स हु साइड विद हिम. तो तुगलक डायनेस्टी जो है इसमें ही एक्सपेंडेड हिज रूल टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. ही लॉन्च्ड ऑपरेशंस अगेंस्ट द हिंदू किंगडम्स ऑफ डियोगिर. अच्छा, डियोगिर अरेंगल जो था ये हमने उसमें भी पढ़ा था खिलजी पीरियड में. ही आल्सो ट्राइड हिज लक टू बंगाल और इसके साथ साथ जो था विद हिज फेवरेट सन मोहम्मद खान वाज किल्ड हुआ था इन एक्सीडेंट के अंदर व्हेन द स्टेज विच वाज बिल्ड हुआ था टू गिव देम अ रिसेप्शन आफ्टर द विक्ट्री कोलैप्स्ड. यहाँ पर हम देखें तो मेनी परसीव दिस इवेंट एज अ सबटोकेट एंड ब्लेम हुआ था एल्डेस्ट सन के ऊपर अलुक खान के ऊपर जो कि कंस्ट्रक्शन उसने किया था ऑफ अ ह्यूज वुडन स्ट्रक्चर विदाउट प्रॉपर ऑफ द फाउंडेशन के. जब उसकी डेथ हो गई अलुक खान की तो बिकम सुल्तान जो था एंड अज्यूम्ड हुआ था टाइटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक आए थे और उन्होंने रूल किया था इंडिया पे फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स तक और वो जाने जाते थे अपने एडवेंचरस प्रोजेक्ट की वजह से. तो बहुत सारे बिलीवर जो थे उनके ऊपर बिलीव करते थे और ये बॉर्न हुआ था समझ लें कि इसकी जो किस्मत थी ना एज अ मोस्ट ऑफ हिज वेंचर्स थी बेस्ड ऑन इनोवेटिव आइडियाज़ इसके पास होते थे बट बिकॉज ऑफ द नॉन कोऑपरेटिव ऑफ द पीपल दे फेल्ड टू डिलीवर. इसके साथ साथ जो है तुगलक मतलब डायनेस्टी जो है वो आगे बढ़ती गई और ड्यूरिंग जो है टेन्योर पीरियड जो था स्टेट ऑफ रेवेन्यू का हैड अ नोज डाइव हो गया था. ही वाज सक्सीडेड हुआ था बाय हिज नेफ्यू फिरोज शाह तुगलक इन 1351 में. तो आज हम जो है वो एक सक्सेसफुल रेन कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो कि नेक्स्ट 37 ईयर्स तक कंटिन्यू रहा. हाँ, बल्कि ही नॉट ओनली डिसमिस्ड बट आल्सो एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा एक्सक्यूटेड मोस्ट ऑफ द नॉबल्स थे हु वर क्लोज टू हीज प्रेडेसेसर. ही नोन एज द हिस्ट्री ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से ये जाता था पीरियड. तो आज हम जो हैं वो स्टडी करते हैं. यहाँ पर अपिंग कर रही हूँ फिरोज शाह तुगलक फाउंडर ऑफ सिटीज. इन्होंने कौन कौन से फाउंडर के ये बानी थे सिटीज़ के आज हम इसमें डिस्कस करते हैं. द ग्रेट मुस्लिम एम्पायर विच अलाउद्दीन खिलजी एंड बिल्ट थ्रोन हिज मिलिट्री स्किल एंड पर्सनल करेज ब्रोक आफ्टर हिज डेथ. सब कुछ ख़त्म हो गया था ना आफ्टर हिज डेथ. द थ्री रूलर्स हु हैड फॉलोड हिम एट दियर डेथ इन क्विक सक्सेशन. It was not something uncommon for in that part of history quarrels were often settled by the sword and the man who struck the first blow was usually the winner of the game. Ghiyasuddin Tughlaq who was the governor of the Lahore under the Khilji Sultanate now came to occupy the throne of Delhi. He thus founded the new Tughlaq dynasty to save the government of his kingdom from the intrigues of the courtiers. He removed the capital from Delhi and founded a new capital, Tughlaqabad. During the brief period of his rule, Ghiyasuddin Tughlaq
was busy keeping law and order and making up for the laws that had been already done to the Sultanate of the Delhi. When he died in AD 1322, his son Muhammad Tughlaq succeeded him. The nephew Sultan loved to always in the company of the learned peoples. It was in his time that the famous Muslims, travelers and historian Ibn Battuta visited Hindustan. He served as a time at the court of the Sultan Muhammad Tughlaq. He wrote an interesting account of life and activities of the people in the reign of the Sultan. On his death in AD 1351, his cousin Firoz Shah Tughlaq became the Sultan of Delhi. Firoz Shah Tughlaq loved peace and hated war. War he knew despised towns and cities and leaves many children, orphans and homeless. He founded many cities like Firozabad, Fatehabad, Janpur, and his Sare Firoz. He also had wells and canals dug for irrigation. The famous Jamna Canal near Delhi is one of the many canals dug under his direction. He constructed dams across various rivers, opened madrasas, set up sarais and the hospitals, and built numerous bridges over rivers. All through his long reign of over 35 years, he tried to make the people happy and satisfied by getting them cheap food, clothes, and other things of the daily use. A few miles from Delhi, he had built a new capital and named it Firozabad. It was a beautiful city with markets, hospitals, schools, mosques, and the caravanserais. There were several hundreds of fruit gardens spread around the city. Firoz Shah Tughlaq tried to find ways and means to keep the people occupied and busy. He abolished beggary and encouraged the people to become skilled laborers and trained soldiers or settle on the land and become good cultivators. He desired to live a peaceful life, made a sultan merciful and God-fearing. He took great pains to educate the peoples of his empire. He helped the published in the madrasas with money and appointed good teachers to teach them. He had suitable works written as well as the translated from other languages for use by the people. After the death of Firoz Shah Tughlaq in AD 1388, four monarchs reigned in succession, each for a brief period, but none of them was famous in any way as a ruler. The end of the Tughlaq dynasty.